कि माना कि लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण, माना कि कुछ लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण, पर क्या फेक फेमिनिज्म ही है इसका निवारण? आजकल बहुत चल रहा है फेक फेमिनिज्म, तो सोचा कुछ लिखूं। माना कि कई लड़कियां जलाई जाती हैं ससुराल में दहेज के कारण, पर क्या फेक फेमिनिज्म ही है इसका निवारण? क्योंकि आजकल कई झूठे केसों में लड़कों के साथ साथ उनकी फैमिली को भी अंदर करवा दिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बना दिया जाता है। शुक्रिया। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच है क्या झूठ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा ब्लेम कर देते हैं, सोशल मीडिया पे हल्ला मचा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार वो केस उल्टा ही था, या वो लड़का ऐसा था ही नहीं, या वो लड़की ऐसी थी ही नहीं, दोनों केसों में हो सकता है। तो हम लोग बिना सोचे समझे, बिना कोर्ट का फैसला आए, हम लोग अपना सोशल मीडिया पे हल्ला मचा देते हैं। तो हर चीज़ को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिज्म के नाम पर जो तुम झूठे झंडे फहराया करते हो, और लड़कियां जो करें ये उनकी चॉइस, और लड़कों को लिमिटेशंस बताया करते कि फेमिनिज्म के नाम पर जो तुम झूठे झंडे फहराया करते हो और लड़कियां जो करें ये उनकी चॉइस और लड़कों को लिमिटेशंस बताया करते हो, तुम्हारे इस झूठे फेमिनिज्म के चक्कर में किसी मासूम को मुजरिम बना दिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते जितना उन्हें बता दिया जाता है। शुक्रिया। कि एक छोटी सी गलती की वजह से सभी लड़कों को जज कर लिया जाता है, और कुछ लड़के इतने बुरे भी नहीं होते साहब जितना उन्हें बना दिया जाता है। शुक्रिया। एंड आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, और इसके माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे या बिना किसी भी बात की जानकारी के अपना निर्णय देने से पहले, या सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस डालने से पहले, या किसी के बारे में लिखने से पहले एक बार प्लीज़ सोच लें और प्लीज़ समझ लें। एंड बाकी आप समझदार हैं।